रिहान ने ले लिए 2200 रुपए की पैंट, इतने की एक जोड़ी बन जाती अगर तो सिलमपुर से लेता। खोलना भाई खोलना। तो भाई देखो एक डिजाइन है, देखो मैंने इसमें काफी डिजाइन खुलवा दिया, बट ये वाला चला रहा है, ये वाला ले ले। तो भाई फाइनली आ चुके हम कृष्णा नगर, तो रमजान रख दो पैसे पड़ती है। तो भाई देखो कितना अच्छे अच्छे लेडीज का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आज लोग स्टार्ट करते हैं 7 बजे। 7 बजे से क्यों करा है वो आपको पता है भाई, वैसे मैं करता नहीं इतनी जल्दी। तो आज हमने इसलिए करा है क्योंकि भाई आने वाली है ईद, तो हमें भाई करनी है शॉपिंग, बहुत तगड़ी शॉपिंग करनी है। तो इसलिए भाई क्योंकि मैं सिलमपुर में कपड़े देखे आया था, भाई सिलमपुर में इतने मुझे खास लगे नहीं, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं लाल क्वार्टर। तो लाल क्वार्टर कहते हैं और कृष्णा नगर भी दो नाम है उसका, तो इसलिए लाल क्वार्टर जा रहे हैं। तो हम जाएंगे फ्रेम सेंटर के पास, तो उसमें भाई बॉयज के कपड़े बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, तो एक बार हमें देख लेते क्योंकि भाई ईद की शॉपिंग करनी है, क्योंकि भाई हमें जल्दीबाजी कोई नहीं है, ईद के भी 8-9 दिन है आराम से। एक दिन पहले भी ले आएंगे हम कपड़े, अगर कपड़े बट अच्छे मिलना चाहिए, इसलिए हम इसलिए अभी जा रहे हैं। हमारे साथ जा रही है मेरी अम्मी, सिस्टर और रिहान और मैं, तो हम चारों जा रहे हैं और अबू नहीं जा रहे, तो हम ही चलते हैं। चलो भाई चलते हैं, आज कपड़े लेने बॉयज का कलेक्शन दिखाऊँ आपको कैसा मिलते हैं, और मैं अपने लिए अच्छा लगे तो ले आऊंगा। अरे अम्मी कहाँ गई? अम्मी नीचे पहुंच गई। अम्मी नीचो, क्या तुम्हें बदल दिया? तुम शॉपिंग करो या हम करेंगे शॉपिंग? अम्मी शॉपिंग तुम करो या हम? तो भाई अभी हमें करना है यहाँ से ऑटो, तो अम्मी को बहुत जल्दी हो रही है आज हमारी शॉपिंग कराने। अम्मी कह रही तुम दोनों को जल्दी से निपटा दूं मैं, कपड़े दिला के जल्दी से निपटा देता हूँ। परेशान कर रहे हैं। हाँ तो सही तो है। हाँ तो सही है, आज ले लेते हैं, अगर मिलेंगे तो वैसे नहीं लेंगे, जबरदस्ती मिल जाएंगे वैसे, है ना। और ये भी लेने आ रहा है अपने, ये तो हर जगह जहाँ मैं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ जाता है। पहले जा रहा था ब्रह्मपुरी, जैसे मैंने कि मैं जा रहा हूँ वहाँ, तो कह रहा मैं भी चल रहा हूँ, तभी ये भी जा रहा है वहाँ पर। तब गए हम करेंगे वहाँ से ऑटो, ऑटो में डायरेक्ट लाल क्वार्टर। आई मिल चुका हमें बैटरी रिक्शा, तो यहाँ से चले जाएंगे। और अम्मी कह रहे नहीं आ गए, गाय अम्मी आ चुके, आ जाओ आ जाओ, चलो भाई चलो बैठ जाओ। भाई चलो चलते लाल लाल क्वार्टर, तो अंकल मिल चुका है बैटरी वाले रिक्शे में, चले जाते हैं। बैठो भाई बैठो। Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine. तो भाई फाइनली आ चुके हम कृष्णा नगर, तो भाई देख लो यहाँ पर कपड़ों के डिजाइन कितने ओपे ओपे मिल रहे हैं। तो भाई देख लो ईद की शॉपिंग आप कर सकते हो एक बार यहाँ पर आके, ट्राई तो कर लो एक बार लेना हो तो। तो अभी हम जा रहे हैं आगे जहाँ पर हमें बॉयज के कलेक्शन में आ रहे हैं, अभी यहाँ पर गर्ल्स के कलेक्शन है ना, क्योंकि तो अभी हम बैटरी वाले आगे अंकल ले रहे हैं, हमें बहुत अन्ना बैटरी वाले रिक्शे से अंकल आगे, क्योंकि यार जाम बहुत लग रहा है, रात हो रही है जबकि। अच्छा हम दिन में नहीं आए, हमें दिन में तो बहुत जाम मिलता है, दिन में नहीं आया, अगर रमजान रख के धूप ऐसे पड़ती है। तो भाई देखो कितने अच्छे अच्छे लेडीज के कपड़े मिल रहे हैं, देख लो भाई लेडीज के हैं ये भाई सारे, लेडीज का भी मिलता है या बॉयज का भी मिलता है, जेंट्स सबके मिलते हैं भाई। चलो भाई अभी हम अपने लोकेशन बताते हैं, फिर मिलते हैं। भाई आ चुके कृष्णा नगर, तो भाई यहाँ पर जाम था, तो बैटरी वाले अंकल ने यही तोड़ दिया भाई, इतनी देर हो गई हमें, 5 मिनट खड़े खड़े भाई, खुली नहीं रहा जाम ही निकलना, तो हम उतर गए भाई, हमें उतार दो हम पैदल चले आएंगे। देखना भाई जाम कुछ भी जाम नहीं, देखो रिक्शा वाले ने अंकल ने लगा रखा है, तो हम तो यहाँ से चले जाएंगे पैदल पैदल। चल चल चल, ये आ गया भाई कृष्णा नगर मार्केट। मैंने तुमसे मना कर रही थी अपने शॉपिंग नहीं करनी, तुम अपने शॉपिंग कर रही हो, थोड़ा कर लो। तो फिर कौन सा ले रही हो? मुझे यहाँ सही लग रहा गोल्डन। हाँ तो भाई अम्मी आ गए यहाँ पर्स की शॉपिंग करने लगी है, और अम्मी मुझसे केक आई थी, अपने शॉपिंग नहीं करूंगे, सिर्फ तेरी शॉपिंग कराऊंगे, है ना, गलत बात है तुम्हारी, ये पर्स ले लिया है। चलो सही है, कितना का है पर्स? 100 रुपए का पर्स मिल गया ये वाला हमें यहाँ पर। ये है कृष्णा नगर की मार्केट, तो यहाँ पर ये अभी पूरी भाई देखो पीछे तक ये लेडीज मार्केट है, जो हमारी बॉयज की मार्केट है वो होती है भाई आगे से, मैं आपको बता देता हूँ रास्ता, ये फ्रेम सेंटर नाम है, वहाँ पर ओनली बॉयज के कपड़े मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं बस, बच्चों को पीछे मिल जाते हैं, बट इधर पूरे में देखो भाई लेडीज का शूज कपड़े ज्वेलरी इस टाइप में सब चीज मिल जाते हैं यहाँ पर। ये रहे इस वाले कट से भाई, इधर जाना होता है तो यहाँ पर अंदर पूरे में बॉयज के कलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी देखो यहाँ से अब हम पूरी आपको बॉयज के दिखाता हूँ, बॉयज का कलेक्शन मिलता है तो यहाँ पर पूरा। तो भाई देखो फर्स्ट यहाँ से नहीं, हमें आ गए जहाँ पर हमें फ्रेम सेंटर, वो आ गए है वहाँ पर उस फ्रेम सेंटर से, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे बॉयज के मिलते हैं ना। क्या बात चल रही है? अच्छा 50 रुपए से ज्यादा की शर्ट नहीं खरीदेगा? चलो सही है देख ले। हाँ तो फिर वहाँ से दिला दो ना, वो फाटक लग रहा था नीचे, वहाँ से ले लेंगे। 25 का ये यहाँ इतना सस्ता नहीं है भाई, 25 का 70% ऑफ है, कौन सा बता। चलो तो देखते हैं ना अभी कहाँ से लें, कहाँ से लें, कहाँ से लें, व्हाइट वाली, ए जा व्हाइट वाली, ये तो बेल्ट लग रही है, ये नहीं। आ चुके हैं फ्रेम सेंटर, तो ये फ्रेम सेंटर है तो यहाँ से लेंगे, क्या हुआ
तो भाई यहाँ से देखो एंट्री लेती है भाई पूरी वॉइस का कलेक्शन स्टार्ट जाता है तगड़ा तगड़ा स्टार्ट जाता है। ये क्या रहा है अम्मी आले लोगे क्या इसमें की है और यान याले में लेगा वाइट में है मैंने ले रहा। चलो भाई अंदर देखते हैं कपड़े पसंद कर लेते हैं पूरे मार्केट में। तो भाई कपड़े हमें मिले नहीं अच्छा अंदर मैंने देखे था भाई बहुत दुकानों पर रुक के अच्छे नहीं लगे बट कोई नहीं अब नेक्स्ट शॉप यहाँ पर भी देख ट्राई आ रहा है। टी शर्ट से नहीं पहनने मुझे लेना है शर्ट टी शर्ट नहीं पहननी मुझे शर्ट से लेना है शर्ट से शर्ट टाइप में कहाँ मिलेंगे इस वाली शॉप पर चले। तो भाई आ चुके हैं शॉप पर अंदर बट यहाँ पर भी मुझे इतनी खास नहीं लग रही तो देखो ये कि प्रिंट बट ये नहीं ले रहा मैं भाई हम अंदर गए थे शॉप पर बट हमें अंदर भी अच्छे नहीं लगे यार पता नहीं क्या हुआ कपड़े नहीं आ रहे यार अच्छे हमने क्या करना है किधर सामने वाली शॉप पर। चलो तो भाई सामने वाली शॉप पर चलता है। तो भाई आ चुके हैं हम अंदर वाली शॉप पर तो भाई इसका नाम है फैशन की और भाई यहाँ पर पैंट्स तो एक नंबर है और मुझे यहाँ पर भाई कपड़े देखने में मैंने इतने सारे कपड़े खुलवा दिए हैं तो भाई यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। तो अभी भाई जो मैंने किया एक प्रिंट वो निकाल रहे हैं मैंने एक कपड़े ले लिए मैं भाई दिखाऊंगा नहीं प्रिंट बस मैंने प्रिंट दिखाऊंगा नहीं मैंने पहन के भी देख लिया भाई बहुत कलर देख लो कलर ऐसे हैं और मैंने ट्राई करके देखे हैं इतने सारे भाई देखो यहाँ पर ये पैंट भी रखे हैं भाई भाई कुछ शर्ट्स में दिखा दो नया डिजाइन दिखाना है ना भाई खोलना भाई खोलना। तो भाई देखो एक डिजाइन है और दिखाओ भाई डिजाइन ये वाला सही नहीं लग रहा इतना वाइट में ले ली चल अच्छा डिजाइन अलग है तो वाइट डिजाइन और देखो जब भी लेंगे नहीं हम वाइट डिजाइन दिखा दो खोलना भाई खोलना ये वाली भी सही नहीं लग रही भाई वाइट तो ले ली इसमें का दिखा दो एक बार और खोल देना भाई पूरा साइड से खोलना ये बस सामने जो देखो इन पर सन ग्लासेस भी रखे हैं कितने ओपी ओपी सन ग्लासेस अम्मी सन ग्लासेस दिला रही हो अरे मैं नहीं ले रहा पहनता तो होनी ही बात देखने को ये है। तो गाइस देखो यहाँ पर बेल्ट भी कितनी ओपी ओपी रखी है और मैंने भाई एक शर्ट से लियो बहुत ही किलर लग रही है वाली व्हाइट कलर लिया ना अम्मी ये अच्छी लग रही है बट मैंने व्हाइट ले ली रिहान को दिला दी है पूछ लो एक बार है। चलो भाई मैं रिहान को लाता हूँ बट ये भी अच्छी लग रही है काफी और बहुत प्रिंट है और भाई अभी कलर निकालने लगा है कलर निकालने लगा चीता फीते वाली ला भाई। तो भाई रिहान ने भी एक पेंट ले लिया बट वो हम दिखा नहीं रहे हैं तो क्योंकि सारे कपड़े दिखाएंगे ईद पे के दिखाएंगे हमें सही बात है तो भाई देख लो इसलिए नहीं दिखा रहे सरप्राइज में। तो भाई ये पेंट देख लो हमने और भाई गिर गए भाई गिर गए मैं वीडियो बना रहा था गिर गए। तो यहाँ भाई कपड़े एक एक नंबर है तो हमने भाई सारे ले लिए मैंने भी ले लिया एक जोड़ी रिहान ने ले लिया अब रहेगा हमारे एक एक जोड़ी क्योंकि हम दो दो जोड़ी कपड़े लेंगे भाई रिहान करा रहा मोटा खर्चा 2200 रुपए की पेंट ले रहा है ये वाली है बे देख लो 2200 की पेंट ले रहा है मोटा खर्चा करा रहा है तो ले ले चल 2200 की से पेंट दिलाओ इसके अलग से और दिलाओ कितने बैठ जाएंगे इसके 3500 रुपए इसके बैठ रहे हैं अलग से 2000 तीन जोड़े लाओगे तो 10000 के इसके अकेले बैठ जाएंगे। रिहान ने ले लिए 2200 रुपए की पेंट इतने की एक जोड़ी बन जाती है अगर तू सिलमपुर से लेता हाँ भाई सही कह रहा हूँ ना मैं एक जोड़ी इसकी सिलमपुर से बन जाती है 2200 रुपए की एक लिए और मेरी पेंट पड़ी है एक भाई एक तो एक जोड़ी मेरे पड़े हैं 2500 रुपए के और रिहान के कितने कपड़े वो टोटल आपको मैं टोटल बता देता हूँ जो दो जोड़ी के कितने पड़े हैं हमें पर कपड़े एक नंबर पड़े हाँ वही तो कर रहा हूँ 2200 की पेंट लिए चलो कोई बात नहीं इतने की तो मेरी भी है थोड़े बहुत ही तो 50 रुपए कम है कुल चलो कोई बात नहीं अभी देखते हैं कितने हो जाते हैं टोटल वो आपको बता रहे हैं। लो भाई पैसे दे दें देख लो भाई कितने सारे पैसे आ रहे हैं गड्डियाँ आ रही है लाओ भाई पैसे दो आ गए हमारे पे को लो भाई ओके भाई और कुछ नहीं भाई भाई सही है सही है। तो भाई ले लिए हमने फैशन की से कपड़े तो चलो भाई अब एक जोड़ी हमने ले लिए रिहान और मैंने भाई अपने अपने ले लिए हैं अब एक जोड़ी और अभी मैं बताता हूँ कितने के मिले हैं हमें यहाँ संगे कितने के मिले हैं 5200 के। तो भाई हमें मिले हैं 5200 के कपड़े रिहान और मेरे तो भाई तो हो चुकी है हमारी ईद की शॉपिंग एक जोड़ी ले लेंगे हम सिलमपुर से अपने दोस्तों के साथ लेंगे वो वाली तो यहाँ से भाई ये वाली शॉप तीन हो गए हमने यहाँ से लिया। तो भाई आ चुका हूँ मैं कवर की शॉप पर तो भाई मैंने यहाँ कवर खुलवा दिया देखो कितने कवर खुलवा दिए भाई इतने कवर खुलवा दिए तो बट मुझे ये वाला पसंद आया देखो भाई लेडीज खोली ना हूँ मैं मम्मी तुम भी ऐसी बातें कर दियो। तो भाई देखो ये कवर है ये वाला ले लिया मैंने एक ले लिया है पता नहीं लूंगा अभी पर देख लो भाई कितना प्यारा लग रहा है एक नंबर लग रहा है भाई इसमें कोई डिजाइन है इसमें का डिजाइन दिखाना और तो भाई इसमें का एक डिजाइन लेता हूँ नहीं तो ये वाला ले लेंगे मम्मी देखो मैंने इसमें काफी डिजाइन खुलवा दिया बट ये वाला चल रहा है ये वाला ले लेता हूँ मैं मम्मी बार्गेनिंग कर रही है इधर तो आओ सुन तो लो है
हाँ कोई बात नहीं दे दो, चलो थोड़ा सही कर ले यार। इसके 700 रुपए का कवर बता रहे हैं भाई, 700 रुपए का यार, 700 रुपए का थोड़े ना यार। सोना लगा हुआ भाई, सोना है क्या तुम्हें यार? थोड़ा सस्ता लगा लो, थोड़ा कम करो। नहीं नहीं तुम सस्ता लगा दो, हमें यही दे दो, उसका थोड़ा सही कर लो। आ चुके हम यहाँ पर, कुछ लेजिए। क्या ले रही हो? पाव भाजी भाई, एक प्लेट पाव भाजी दे देना। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम पाव भाजी, क्योंकि भूख लग रही है, चलते चलते थक गए, तो इसलिए एक प्लेट पाव भाजी ले लेते हैं भाई। लगा दो पाव और भाजी भाई। देखो हमने ये भी ले लिया, क्या कहते हैं नाम भूल गया यार इन्हें, यार मूली के वो कहते हैं, क्या कहते हैं, राम लड्डू है इनका नाम, राम लड्डू। हम तो नाम ही भूल गए भाई, भाई खा लेते हैं हम जब भी मिलते हैं, नाम नहीं याद है भाई। पाव भाजी बन गई तो भाई, पाव भाजी हमारी रेडी हो चुकी है, आ रही है। तो पाव भाजी मेरी फेवरेट है भाई, जिसे नहीं पता एक बार बता देता हूँ मैं, बताओ कितने फेवरेट है भाई। जहाँ मिले पाव भाजी खा लो, चखा दो ना भाई, लाओ गरम गरम। तो भाई पाव भाजी भी आ चुकी है हमारी, हमें लो टेस्ट बताता हूँ मैं एक बार पकड़ गया है ना, खा गया। तो भाई चलो मैं आपको ट्राई बताता हूँ पाव भाजी कैसी, 50 रुपए की प्लेट है। तो भाई बढ़िया पाव भाजी, एक नंबर टेस्ट है। चलो तो भाई हम खा लेते हैं, अब तो पेट भर गया ना, तो भाई चलो अब हम खा लेते हैं, खा के घर जाना है, बस घर जाना है डायरेक्ट। बेस्ट डील पिज्जा इन द पिज्जा, देखो भाई ये भी खा रहा है, पिज्जा बहुत बढ़िया। और भाई बताऊँ कितने रुपए का प्राइस, हमें भाई बता दो। तो भाई 60 रुपए का ये पिज्जा मिला है सिलमपुर में भाई, 100 रुपए का मिलता है और हमें यहाँ पर मिला 60 रुपए का। हमें टेस्ट खा के बताना। और भाई चीज देखो कितनी भाई, वो है गरम हो रहा है हल्का सा, बहुत बढ़िया भाई, सिर्फ 3 मिनट में बना दिया और इतना अच्छा है खाने में भी, टेस्ट अच्छा है भाई। पिज्जा 60 रुपए में है वो, वहाँ से जाया मैं जैन शिकंजी वालों से। हमने ले लिए स्वीट कॉर्न और रियान भी आ चुका है, और हमने बेटे रिक्शा में आ चुका है, तो अब जा रहे हैं हम घर पर। अब्बू का फोन आ रहा है, जल्दी आ जाओ कार है, हमने शॉपिंग कर लिया। तो चलो भाई घर पर मिलते हैं आपको, यंगल राइडर है, बहुत हैवी ड्राइवर है, चलो चाचा घर छोड़ देना। तो भाई चलो आपको मिलते हैं घर। अब हम आ चुके थे घर पर, और घर पे आ गए अब डायरेक्ट शहरी का टाइम हो चुका है, तो इसलिए हम कर रहे हैं शहरी टाइम। 3 बज रहे हैं भाई, सही टीम हो रहे हैं। और देखो होर को खाना चाहिए, तो ये भी अब हमारी तरफ देख रही है, बट हम आज हमने पकाया सलजम गोश्त। तो भाई मैं अभी नहा धोकर आ चुका हूँ, फ्रेश होकर आराम से शहरी करने बैठा हूँ। और यहाँ देखो कह रहा है सलजम गोश्त मैं नहीं खा रहा, ये खाओगे खरबूजे खा रहा, क्या कह रहा है होर, क्या कह रही है, चल कुछ अबे भाई खाना दे दे। देखो गाय खाना मांगते तो ऐसा करती है, अपनी पूंछ से हिलाती है। तो गाय चलो हम शहरी कर लेते हैं, शहरी कर लेते हैं। तो मम्मी चलो बेटो, तो गाय चलो आपको मिलते हैं अब सुबह, क्योंकि आज भाई सुबह मिलते हैं डायरेक्ट। तो गाय अभी हम उठ चुके हैं सोकर, टाइम हो रहा है, नमाज भी पढ़ जाए, 2:20 हो रहे हैं अभी, हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं, और हमारे नीचे भाई सब्सक्राइबर आए, तो चलो भाई उनसे मिलवाता हूँ मैं आपको, देखते हैं कौन आया। कहाँ गए भाई? अरे कहाँ गए, आ जाओ। बढ़िया भाई, तुम्हें बल लाए थे गए अभी, आया भाई। तो गाय भाई आए, कहाँ से आओ भाई? जाफराबाद से। वीडियो देखते हो सारी डेली? तो भाई बहुत देर से आवाज लगा रहे थे यार, मैं कुछ काम कर रहा था, तो कोई बात नहीं भाई। भाई हमारे सब्सक्राइबर आए हैं यहाँ से, ये भाई आए शालीमार गार्डन से मिलने। और भाई ठीक हो, क्या नाम है? हमजा। भाई साहब वीडियो देखते हो सारी? शालीमार साहब तुम मिलने यार, नानी का तो तुम्हें घर पता था, तो ये भाई यहीं रहते हैं, तो इन्हें मेरा घर पता था, तो ये भाई लिया। चलो ओके भाई, भाई दो बार हो रहा है हमारे, और भाई कैसे ठीक हो है? और मुस्तफा साहब है भाई, मुस्तफा तो सब देखते भाई वीडियो। चलो भाई ये कह रहे मैं शायरी नन्नी भाई से, कहना उन्होंने शायरी सुना, नन्नी भाई कह रहे हैं आज याद नहीं आ रहा, तो भाई कह रहे मैं सुनाऊं। चलो भाई, पूरी दुनिया को देख लिया आजमा के, हाँ वाह 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 वाह, पूरी दुनिया को देख लिया आजमा के, कोई काम नहीं आता सिवाय माँ के। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no. भाई ने बहुत बढ़िया बोला भाई, बहुत एक और सुना भाई। पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिस्लेरी बोतल में क्या रखा है, और मोहब्बत करनी है तो माँ बाप से करो अपने, और पापा की परियों में क्या रखा है। गजब बेइज्जती है भाई, ये लड़कियों के बहुत बड़े हिटर है भाई, तो ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा? नहीं, धोखा मिला प्यार में भाई, सारे देख ले ये शायर, दिखाओ रील, रील दिखाओ। चलो भाई बहुत बढ़िया लगा, और है क्या? नहीं। चलो हाँ जी ठीक हो, अबे भाई बॉडी फोटी जिम मार कर आए, ये देखते हो बॉडी, दिखाओ ढंग से, ढंग से दिखाओ बॉडी, दिखाओ बॉडी, ये तो भाई जिम मार कर बैठ जा, तो भाई इनके दह बड़े हैं, एक नंबर के ना भाई, बढ़ जाना। चटनी थोड़ी तेज रखना, कम मिर्च हो गया तुम्हारी, सही है ना, बढ़िया से डाल दो यार चटनी वटनी,
और यहाँ पर भाई हमारे सब्सक्राइबर आए। हाँ भाई ठीक हो सारे? अब देखते हो भाई वीडियो। कौन झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा कोई। ये भाई दही बड़े निकालने आया। हाँ निकाल दो निकाल दो। चलो ऊपर ले जाइयो लेके। भाई देखो हूर क्या कर रही है कोने में बैठ के। आवाज सुनो भाई, देखो इसके पीछे है गिलेरी, तो भाई वो हमारे घर में आ चुकी है। और देखो हूर क्या कर रही है। देखो भाई इसका स्टाइल देखो। देखो भाई घात ला रही बैठने की। देखो हूर ले। देखो भाई कुछ भी नहीं। देखो 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 भाई अंदर गिलेरी आए तो भाई दिखी नहीं रही है। देखो देखो आए आवाज आ रही है। देखो 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 गाय हूर तो देख यार आज खा जाएगी। और अम्मी कर दे रोया कोई अफ्तियारी कर दे तैयार। तो गाय देख लो अफ्तियारी आ गए आई कुछ भी नहीं आए हैं तो। अच्छा तो गाय एक बार खाना क्या कर रहा हूँ अफ्तियारी है नहीं क्योंकि ये खाना रख दिया सारा। तो गाय देख सकते हैं यहाँ पर सारी अफ्तियारी आ चुकी है हमारे दही बड़े। और आज हमने शिकंजी नहीं बनाई क्योंकि व्हाइट वाली लस्सी मंगा लिया था दही वाली इसलिए। और इसे हमने बिठा रखा है यहाँ पर यारी निब्बी को। चलो भाई अब रोजा खुलने वाला है तो हम रोजा क्योंकि रोजा खुलने के बाद मिलते हैं। तो चलो आपको नमाज के बाद। तो भाई अफ्तियारी के बाद आया हूँ मैं डायरेक्ट बर्गर खाने। भाई दो बर्गर लगा देना। तो भाई अफ्तियारी के बाद आया हूँ बर्गर खाने क्योंकि भूख लग रही थी। तो मैं सोच रहा बर्गर खाया हूँ तो इसलिए आ चुका हम बर्गर लेने। भाई लगा रहे थे बर्गर आता फिर दिखाता हूँ। तो भाई आ चुका हमारे बर्गर तो ये रहे मेरे साथ आता फाद भी तो इसलिए हम बर्गर खाना है। तो आपको आज की वीडियो भाई कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।